ऑल टीईटी चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच में सीटेट 2019 में पूछे गए गद्य कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूँ जो संस्कृत विषय से है। इसी तरह के प्रश्न एवं कहानी सीटेट में पूछे जाते हैं, आप इसे ध्यानपूर्वक देखें। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा तदाधारित प्रश्नानाम 91 से 99 विकल्पात्मकोत्तरेषु उचितमं उत्तरं चित्वा लिखत। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर विकल्प के रूप में जो चार प्रश्न दिए गए हैं उसमें से एक उचित जो सही जो उत्तर है उसको चुनकर लिखें। अब हम लोग गद्यांश की तरफ बढ़ते हैं, पहले उसका अर्थ लगाते हैं। विंध्य पर्वत मालाया मध्य चित्रकूटम नाम तीर्थस्थलम अस्ति। विंध्य पर्वत माला के बीच में चित्रकूट नाम का एक तीर्थस्थल है। स्थानमिदं कोलाहल रहितं प्राकृतिक सौंदर्य संपन्नम अस्ति। यह स्थान शांति से रहित प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त है। अत्र आगमनेन दर्शनेन च आनंदानुभूति जायते। यहाँ आने से और दर्शन करने से अत्यंत ही आनंद की अनुभूति होती है। चित्रकूटे सघनानि वनानि सन्ति। चित्रकूट में घने जंगल हैं। अत्र बहवः निर्झरा सन्ति। यहाँ पर अनेक झरने हैं। सर्वत्रापि हरितिमा राजते। सभी जगह हरियाली ही हरियाली शोभित हो रही है। चित्रकूटस्य धार्मिकम सांस्कृतम च महत्वम विद्यते। चित्रकूट के धार्मिक और सांस्कृत महत्व हैं। कथ्यते यत कहा जाता है कि सीता राम लक्ष्मणाभ्याम सह वनवास काले श्री राम एकादश वर्षानि जावत चित्रकूटे एवं निवासम कृतवान। कहा जाता है कि सीता और लक्ष्मण के साथ राम वनवास के काल में, श्री राम वनवास के काल में 11 वर्ष तक चित्रकूट में ही निवास किए। महर्षि अत्रि साध्वी अनसूया च अत्रैव तपस्याम कृत्वा आत्मज्ञानम अलभेताम। महर्षि अत्रि और साध्वी अनसूया यहीं तपस्या करके आत्मज्ञान को प्राप्त किए। अत्र अनेकानि दर्शनीयानि स्थलानि सन्ति। यहाँ पर अनेक दर्शनीय स्थल हैं जिसका कुछ का नाम भी यहाँ दिया गया है। रामघट्ट मंदाकिन्या तटे रामघट्ट अस्ति। रामघट्ट और मंदाकिनी के तट पर रामघट्ट है। अत्र प्रायेण तीर्थयात्रिनाम सम्मर्दः भवति। यहाँ पर मूल रूप से तीर्थयात्रियों की ही जमघट होती है। सायंकाले मंदाकिन्या नीराजन समय मनोरमम दृश्यम भवति। शाम में मंदाकिनी की आरती नीराजन मनो तो आरती आरती करते समय बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। रामघट्टात नाति दूरमेव जानकी कुंडम अस्ति। रामघट से कुछ ही दूरी पर जानकी कुंड है। वनवासे सीता अत्रैव स्नानम करोति। वनवास के काल में सीता यहीं पर स्नान करती थी। सघन वन मध्य अनुसूया आश्रम विद्यते। घने जंगल के बीच में अनुसूया का आश्रम है। अत्र पक्षी नाम कलरव निर्झर ध्वनि शीतल वायुश्च मनांसि रक्षन्ति। यहाँ पक्षियों का कलरव झरनों की आवाज और शीतल हवा मन को आनंदित करते हैं। एत देव मंदाकिन्या उद्गम स्थलम। यही मंदाकिनी का उद्गम स्थल है, जन्म स्थल है। जानकी कुंड समीपे एव विशाला शिला दर्शनीया वर्तते। जानकी कुंड के नजदीक ही विशाल शिला देखने को मिलती है।
दर्शनीय वर्त्य देखने देखने योग्य है या देखने को मिलती है। चित्रकूटता पंच कोष दूरम नयनाभिरामम सौंदर्य युक्तम गुप्त गोदावरी स्थलम वर्त्य। चित्रकूट से 15 कोष की दूरी पर आँख को सुंदर लगने वाली गुप्त गोदावरी स्थल है। अत्र निरंतरम जलम प्रभवति, यहाँ पर हमेशा जल बहता रहता है। तत्रैव हनुमान धारा स्थलम वर्त्य, वहीं पर हनुमान धारा भी है। अत्र उच्च स्थलात जलम पतति, यहाँ पर ऊपर से बहुत ही ऊपर से जल गिरता है। अब हम लोग प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 91 अत्रागमने दर्शनेन च किं भवति, यहाँ आने और दर्शन करने से क्या होता है। तो देखिए पहला ही उत्तर होगा आनंदानुभूति, आनंद की अनुभूति होती है। दूसरा 92 नंबर सीता लक्ष्मणाभ्याम सह कह अत्र वासम अकरोत, सीता और लक्ष्मण के साथ कौन यहाँ पर वास किए। तो श्री राम, श्री राम वास किए। सब का ध्यान हम लोग पढ़ चुके हैं अभी, ठीक है। 4 नंबर होगा उत्तर 93 है अकरोत इति पदस्य समानार्थक पदम अनुच्छेदे अस्मिन् प्रयुक्तः, कहता है कि तत् चित्वा लिखा, तो उसको चुनकर लिखिए। इसमें किसका किसके लिए दिया है समानार्थक पद, अकरोत के लिए। तो तीसरा उत्तर होगा कृतवान, क्या होगा कृतवान तीसरा। और 94 है कि का नाम साध्वी तपस्याम कृत्वा आत्मज्ञान वालवत, किस नाम की साध्वी तपस्या करके आत्मज्ञान को प्राप्त की। तो देखिए इसका भी 4 नंबर उत्तर होगा अनुसूया, अनुसूया तपस्या प्राप्त की थी यहीं पर चित्रकूट में आकर, ठीक है। और 95 नंबर प्रश्न है कि करोति इति पदे का धातु बढ़ते, करोति में कौन धातु है। तो करोति में क्री धातु है पहला, 1 नंबर। इसके बाद 96 है कि रंजयंती इति पदस एक वचने किम पदम भवती, कहता है इसके एक वचन पद में क्या होगा। रंजयंती बहुवचन है यहाँ पर, तीता अंति अंति बहुवचन लगता है, तो ती वाला लगेगा, रंजयति हो जाएगा। 2 नंबर उत्तर होगा 97 है कि अनुसूयाश्रम कस्या नद्या उद्गम स्थलम अस्ति, अनुसूया किस नदी का उद्गम स्थल है। तो मंदाकिन्या, मंदाकिनी के से 4 नंबर उत्तर होगा। और 98 है कि चित्रकूट तक कियत दूरम गुप्त गोदावरी स्थलम बढ़ते, चित्रकूट से कितनी दूरी पर गुप्त गोदावरी स्थल है। तो देखिए यहाँ पहला उत्तर होगा पंच क्रोश मितम, 5 कोश की दूरी पर। और 99 है कि चित्रकूटम नाम तीर्थस्थलम कुत्रास्ति, चित्रकूट नाम का तीर्थस्थल का पूछ रहा है कि कहाँ पर है। तो देखिए दूसरा उत्तर हो जाएगा विंध्य पर्वत माला मध्य, विंध्य पर्वत माला के बीच में। मैं जो पढ़ा रहा हूँ या हमने जो अभी तक पढ़ाया है उसी को आप अच्छी तरह से ध्यान से देखेंगे, इससे बाहर नहीं आएगा। निश्चित रूप से आप लोगों को 30 में से 30 अंक प्राप्त होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद छात्रा।